ये वो लोग हैं जो जिनका मकसद केवल और केवल यह है कि आप किसी भी तरह से आगे ना बढ़ें, आप किसी भी तरह से एक विकल्प तैयार न करें। क्यों नहीं करें विकल्प तैयार? सारी शक्ति, सारा पावर राजनेताओं के हाथों में दिया गया है, और हमारे आपके जैसे लोग जो खुलकर दूसरे वर्ग के साथ साथ में अपने समाज की भी समस्याओं को रखते हैं, वो विधानसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा में, विधान परिषद में नहीं पहुंचेंगे तो कैसे आपके समाज को मजबूती मिलेगी? कुछ लोग चाहते हैं कि हम जिंदगी भर ऐसे ही भटकें, कुछ लोग चाहते हैं कि केवल हम फोन करें जब हमारे साथ समस्या हो, आशुतोष हाजिर हो, बाकी इसको ताकत नहीं मिले, इसका कद नहीं बढ़े। तो अरे मूर्खों, जब हमें ताकत नहीं मिलेगी, जब हमारा कद नहीं बढ़ेगा तो हमारी कौन सुनेगा? आज ये जो साथी लोग हैं ना, ये बड़ी उम्मीद के साथ में समर्थन करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं। हम भाजपाइयों की तरह पेड वर्कर सोशल मीडिया पर नहीं रखते हैं, और बहुत सारे साथियों का कमेंट आ रहा है, इनसे पूछिएगा किसी को मोबाइल रिचार्ज का भी पैसा मिलता है क्या? किसी को मोबाइल रिचार्ज का भी पैसा मिलता है क्या? वो अपने जेब से पैसे खर्च करके मोबाइल रिचार्ज कराते हैं, वो अपने जेब से पैसे खर्च करके अपना पेट्रोल डलवाते हैं, और संगठन को, पार्टी को हमें ताकत प्रदान कर रहे हैं एक उम्मीद के साथ में। इस उम्मीद के साथ में कल बेहतर होगा। आज सभी समाज के लोग अपना अपना विकल्प बनाकर बैठे हुए हैं,